अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रे टेक्नो और आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ एडोब फोटोशॉप पर आप तस्वीर को किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो आइए एडोब फोटोशॉप आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ और जैसे मैंने ओपन किया ये आपके सामने दो तस्वीरें ओपन हैं ऑलरेडी। आपने क्या करना है, सिर्फ जिसकी कटिंग करनी है उसको आपने क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपके सामने एक टूल है कटिंग टूल नंबर 3 के ऊपर, जैसे इसको प्रेस करके रखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे वो टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सेकंड वाला यूज़ कर रहा हूँ, लेज़र टूल, ठीक है। फिर इसके बाद मैं करूँगा क्या, क्लोज़अप में क्या होता है, आसानी ये होती है आप आसानी के साथ बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी के साथ आप इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं कि मैं आसानी के साथ कटिंग कर रहा हूँ और क्या होगा इससे कटिंग करने से, ये क्या होगा, बिल्कुल एक्यूरेट कटिंग होगी। जब आप जूम करके कटिंग करते हैं, क्लोजअप करके कटिंग करते हैं तो इससे क्या होता है आपसे मिस्टेक नहीं होगी, मिस्टेक हो भी जाए तो बैक स्पेस आप रिमूव करेंगे और वापसी बैक आ जाएंगे। इसी तरीके से आपने जो देख बाल वगैरह जो बहुत ज़्यादा आउट हुए हैं उसको भी आप प्रॉपर में कटिंग में ले सकते हैं। और ये इस तरह से हम लोग अगर आपने फुल बैक करना है तो कंट्रोल प्लस 0 प्रेस करेंगे जैसे ही, तो ये क्या हो जाए दूर हो जाएगा आपसे। और अगर नहीं भी हो रहा तो आपने स्पेस का बटन दबाकर आपने इसको अप कर लेना है और ये देख सकते हैं कि ऊपर की जाने आ चुका है। और इसी तरीके से आपने ये एरिया पूरा जो भी आपको कटिंग वाला हिस्सा चाहिए आपने वो कटिंग किया, और कटिंग करने के बाद आपने उसको फिर इसके बाद करना ये है कंट्रोल, आपने देखा ये ऑल इट सेलेक्ट हो चुका है और इसके बाद कंट्रोल सी करना है आपने, और कंट्रोल सी करने के बाद सी का मतलब कॉपी और कंट्रोल एन करना है, कंट्रोल एन से न्यू होगा और देख सकते हैं इस तरह से आपके सामने आ जाएगा फ्रेम, आपने एंटर करना है और कंट्रोल वी, कंट्रोल के साथ आपने ये कंट्रोल है और ये वी, कंट्रोल को आपने प्रेस कर रखना है और ये वी पे जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने देख सकते हैं ये कटिंग आ गई। तो आई होप आपको आज का ये बहुत टॉपिक पसंद आया होगा, तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।